तीन चोर की कहानी। बहुत दिनों की बात है, किसी शहर में रमन, घिसा और राका तीन चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत ही घमंड था। विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोहों की तिजोरियों को तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते। इस तरह तीनों चोर ने शहर के लोगों का नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा लिया। जब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगे, मगर तीनों चोर घने जंगल में भाग गए। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी है। रमन ने अनुमान लगाया, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूँ तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान द्वारा जोड़ सकता हूँ। घिसा को भी विद्या का घमंड था, सो वह भी बोल पड़ा, अगर ये शेर की हड्डियां हैं, तो इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार करके इसमें मैं डाल सकता हूँ। रमन और घिसा की बात सुनकर राका को भी घमंड आ गया। उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ ही देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया। घिसा ने शेर की हूबहू जान में जान डाल दी। थोड़ी देर में तीनों चोर के सामने एक जीवित भयानक शेर को देखकर थरथर कांपने लगे, मगर शेर के पेट में तो एक दाना नहीं था। वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोर पर हमला कर बैठा और मार कर खा गया। शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड ना करते, उन्हें जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। हमें अपनी विद्या का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।